राज्य स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्थानीय नपा कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से न्याय संगत मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। सर्वप्रथम प्रांतीय प्रधान सेवाराम की उपस्थिति में संघ के 11 सदस्य क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद सरकार के कर्मचारी विरोधी व्यवहार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए संघ के नेताओं ने अपने संबोधन में संघ तथा सरकार के बीच 25 अप्रैल तथा 17 अगस्त को हुए समझौते को लागू करने, COVID-19 के मृतकों को 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि के साथ सरकारी नौकरी देने, 4,000 रुपए के जोखिम भत्ता, ठेका प्रथा बंद करने, कर्मचारियों को पेरोल पर लेने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, अग्निशमन विभाग में रिक्त पड़े 1,366 पदों को शीघ्र भरने सहित सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वायदा खिलाफी तथा शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके सकारात्मक उत्तर नहीं देती तो संघ अपने हितों के लिए संघर्ष को और तेज करेगा, जिसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। इस मौके पर सुनील, सुरेश, राजेश, कुलविंदर, वैभव, धर्मेंद्र, सुमित, जसवीर, राजेश, यदुवंशी आदि संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। नगर पालिका सफाई कर्मचारी प्रधान सुरक्षित कुमार सर, जो सरकार ने पिछले 2018 में 20 में समझौते किए हैं, चाहे वो ठेके प्रथा ख़त्म करने बारे हो, चाहे समान काम समान वेतन और नगर पालिका के रोल पे लेने बारे, वो सरकार ने अभी तक समझौते लागू नहीं किए। इस बारे में आज सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो हमारी यूनियन के कार्यकर्ता हैं बड़े, जो आगे रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से आगे की हड़ताल निश्चित की जाएगी। तो एक दिन का प्रदर्शन है या आज एक दिन का प्रदर्शन है? इससे पहले 2 दिन 26 तारीख को हड़ताल रही ना, 24-25 को भूख हड़ताल रही कर्मचारियों के बीच में, और आज सामूहिक हड़ताल है स्थायी 3 अगस्त। जो आगे की रणनीति होगी हमारी, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सर समान काम समान वेतन, ठेका प्रथा खत्म की जाए, रोल पे लिए जाए कमेटी के रोल पे भैया, ऐसे और किए समझौते का लागू किया जाए।